हेलो दोस्तों, राधे राधे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिसका नाम मल्टी लॉजिक सोलर इन्वर्टर। आज हम आपको विंचुन की सेंटरलाइन थ्योरी के बारे में बताएंगे। तो विंचुन की सेंटरलाइन थ्योरी क्या है? सेंटरलाइन से आप समझते हैं कि सेंटर जो आपका मध्य भाग है, सेंटर की थ्योरी। जब आप विंचुन की पोजिशन में आते हैं तो इस तरीके से, जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो आपका हेड से लेकर जो आपके प्राइवेट पार्ट तक का पार्ट जो है वो सेंटर लाइन, बिल्कुल बीच में, नाक से लेकर बिल्कुल होंठ के ऊपर, गर्दन और छाती के बीच में ज्यादा भाग, जहाँ से आपकी जो है इसको क्या कहते हैं, नाभि है, नाभि, नाभि से लेकर नीचे तक का पार्ट उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। तो सेंटर लाइन की मेन सबसे बात यह है कि सेंटर लाइन इंसान की सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन में जो भी पार्ट आते हैं, जो भी इंटरनल या आउट बाहर की तरफ जो ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, वो सब के सब कमजोर होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। इसीलिए इसको सेंटर लाइन का नाम दिया गया है। सेंटर के जो पार्ट है वो प्रोटेक्ट करके रखने का, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में हेड भी है, हेड भी बहुत नाजुक है, नोज है, नोज भी नाजुक है, होंठ है, होंठ भी नाजुक है, और जो गला है ये तो बहुत ज्यादा नाजुक है। तो सेंटर के बीच में जॉइंट्स को आपको पता ही होगा नाजुक है। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको सेंटर लाइन में कोई भी इस तरीके से मत करेगा, या गर्दन पे करेगा या चेस्ट पे करेगा, तो उसको पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई मान लीजिए उसका पंच करता है, उसकी फुल बॉडी को असर पड़ेगा। अगर मैं पंच को डीपर लेके जाता हूं तो आप देख सकते हैं क्या होगा, उसका पूरा शरीर, बॉडी है दोनों जो है जिस पर वो खड़ा है वो बैलेंस उसका लूज हो जाएगा। अगर मैं इस तरह करूंगा ना पंच, तो देखिए सेंटर लाइन से आउटर जो करेंगे हम पंच को, उसका क्या असर होगा, ये रिएक्शन होगा, वो बॉडी इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर ये बात में आपका पंच करता है आपको, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे पीछे की तरफ, जो आपकी मूवमेंट होगी। अगर सेंटर में पंच करेगा तो जाहिर सी बात है आपको इम्पैक्ट जो है ज्यादा पड़ेगा। तो यही मेन करना है, जो बस इसको प्रोटेक्ट करके रखना है विंचुन में खास करके। इसीलिए आपको सिक्स गेट भी बताऊंगा मैं, सिक्स गेट का प्रिंसिपल क्या है ये भी हमारे सेंटर में थ्योरी। तो सिक्स गेट जो है वो भी बताऊंगा, हेड से लेकर यहाँ जो है हमारे सिक्स गेट बनते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि सेंटर लाइन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।